रिटायरमेंट का टॉपिक है। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में पार्टनरशिप रिटायरमेंट का एक गुडविल मेथड, एक बोनस मेथड और बाज़ अवकात कभी रिवैल्यूशन की कैलकुलेशन आ जाती है तो वो कवर कर सकें और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकें। पार्टनरशिप रिटायरमेंट में 2018 के अंदर ये सवाल आया कि इमरान, कामरान और रिजवान पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल के रेशियो के मुताबिक है। तो रेशियो निकालना बड़ा आसान है, 0 से 0 कट हो जाएंगे और रिजवान रिटायर होकर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ रिजवान अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। रिजवान को हमने पे किया 3.5 लाख यूज बोनस मेथड। तो हम बोनस मेथड की कैलकुलेशन करते हैं और समझते हैं कि बोनस मेथड किस तरह है। कैलकुलेशन फॉर बोनस, अब देखें कौन जा रहा है रिटायर होकर, रिजवान जा रहा है। तो रिजवान का कैपिटल जो था वो था 4 लाख, कितना था, जबकि हमने रिजवान को पे कितना किया, पे टू रिजवान, हम रिजवान को पे कितना कर रहे हैं, हम रिजवान को पे कर रहे हैं 3.5 लाख। रिजवान ने लगाए थे 4 लाख, रिजवान को दिए जा रहे हैं 3.5, तो इसका मतलब कम दे रहे हैं ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिजवान प्लस में जा रहे हैं या माइनस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। तो बोनस ले रहा है या बोनस दे रहा है, बोनस दे, बोनस दे रहा है, किसको दे रहा है, बोनस टू कामरान एंड कामरान। सेम इसी तरह से प्रेजेंटेशन एग्जाम में कीजिएगा। ये समझ आया कि भाई रिजवान माइनस में गया और रिजवान बोनस दे रहा है। बोनस में ही होता है कि किसी का एक का कैपिटल बढ़ेगा और दूसरे का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम इसकी जनरल रिकॉर्डिंग कर लेंगे, सिंपल जनरल को रिकॉर्ड करेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिजवान जा रहा है, रिजवान का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, रिजवान कैपिटल डेबिट, रिजवान ने लगाए थे 4 लाख, रिजवान को हमने दिए कितने बेटा, 3.5 लाख। अब जो 50 लाख वो किसको किसको मिलेंगे, इमरान को मिलेंगे, तो इमरान का कैपिटल बढ़ जाएगा और कामरान का भी कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने से 50,000 इंटू इनका रेशियो कितना है, इमरान का 2 है और कामरान का कितना है बेटा, 2/5 और 3/5। तो इसके हिस्से में आ गए 20,000 और इसके हिस्से में आ गए, ये हो गया बोनस का मेथड ख़त्म। आप ऊपर कैलकुलेशन फॉर रेशियो ज़रूर कीजिएगा, मैंने रफ काम किया है, आप लोग एग्ज़ाम में कैलकुलेशन फॉर रेशियो ला कीजिएगा, ठीक है। रेशियो नॉर्मल कैपिटल लिखे और 0 से 0 काट के 3:2, 2:3, 4। अब आ जाएं इसके बी पार्ट में। रिजवान को हमने पे किए 5 लाख, बट इमरान एंड कामरान डिड नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। अब ये गुडविल है, गुडविल में बोनस में क्या था, अभी पढ़ा कि इनका कैपिटल बढ़ेगा और एक का, जबकि गुडविल में किसी का कम नहीं होता, गुडविल एक नाम होता है, ब्रांड होता है, या बंदा मेहनत करता है 5 साल 6 साल तो उसने एक अपना नाम बनाया, उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल में कैपिटल बढ़ता है, कम किसी का नहीं होता, ये पॉइंट याद रखिएगा, गुडविल में कैपिटल बढ़ेगा। अब ये रिटायरमेंट है, मुझे एक बात बताओ कि क्या मेहनत एक ही बंदे की होगी, दूसरे भी तो होंगे ना, तो मिलेगा तो गुडविल सबको मिलेगा वरना किसी को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं ज़रा, रिजवान को हमने 5 लाख पे किए, हमने हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ फर्म का मतलब कंपनी की गुडविल निकालेंगे, पार्टनरशिप कंप्लीट। अब रिजवान का कैपिटल कितना है बेटा, रिजवान का कैपिटल है 4 लाख, जबकि रिजवान को हम पे कितना कर रहे हैं, पे टू रिजवान कितना कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड शॉट, रिजवान को हम पे कितना कर रहे हैं, 5। अब रिजवान को हम कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं, 1 लाख। अब ये तो गुडविल जो आई है वो किसकी है, वेरी गुड शॉट, गुडविल किसकी है, रिजवान। लेकिन अभी हम मैंने आपको बताया कि बंदे दूसरे नहीं कर रहे, क्यों, उनकी भी तो मेहनत है ना, खाली एक की तो मेहनत नहीं है। तो हम निकालेंगे फर्म की, किसकी निकालेंगे, फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल के लिए लाभ को डिवाइड कर देंगे हम। अब रेशियो अगर आप देखें 2:3:4, ये इमरान का, ये कामरान का और ये रिजवान का, टोटल रेशियो हो गया 9। अब रिजवान का हिस्सा 4 है, कितना है, 4, हमने 4 से, क्योंकि 1 लाख जो है वो 4 हिस्से हैं और मल्टीप्लाई में 9 करते हैं। अगर ये इमरान का होता तो हम किससे डिवाइड करते, 2 से, और अगर ये कामरान का होता तो 3 से, वेरी गुड शाबाश। तो ये गुडविल आ गई 2,25,000। अब एंट्री बनेगी, गुडविल को हम डेबिट करेंगे जनरल का फॉर्मेट करके, गुडविल डेबिट 2,25,000, इमरान का कैपिटल क्रेडिट, कामरान का कैपिटल क्रेडिट और रिजवान का कैपिटल क्रेडिट। अब जितना भी इनका हिस्सा है उनको मिल जाए, इज़ इट फाइन, यस सर। कैसे निकालेंगे, 2,25,000
मल्टीप्लाई बाय 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 रिजवान को मिली है 1,00,000। यहाँ तक कोई मसला बना लोगे टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यहाँ तक कोई इशू। अब कौन रिटायर हो रहा है? रिजवान। तो रिजवान का कैपिटल डेबिट कर देंगे हम और हम क्रेडिट कर देंगे कैश, कितने से भाई? 5,00,000। वेरी गुड शॉट। टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ दैट्स इट। सवाल खत्म। अब कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है कि रिवैल्यूशन, ये तो गुडविल था और बोनस था, अब कभी कभी होते हैं एसेट की रिवैल्यूशन होती है। जैसे एक सवाल, दो सवाल मैं करवा रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। अब ये एक सवाल है, आसिफ मज़र और हसन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 25%, 45% और 30%। तो हमने इसकी पहले परसेंटेज निकाली, रेशियो निकाली, 5, 9 और 6। टोटल सम ऑफ रेशियो कितना बना? 20। अब मैं थोड़ा फास्ट काम कर रहा हूँ। ये इनकी बैलेंस शीट है, क्या है बेटा? बैलेंस शीट। अब हसन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनर फर्म ऑन अबव डेट बिफोर हिज रिटायरमेंट, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड इन द अकाउंट ऑफ द फर्म। 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी डाउटफुल। अब 10% हमें लग रहा है कि पैसा डूब जाए, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। रिटायरमेंट में जो हम टेम्प्रेरी अकाउंट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रिवैल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवैल्यूशन। अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। कितने से? 10%। कितना परसेंट? ऊपर अकाउंट रिसीवेबल कितना है बेटा? 2,70,000। 2,70,000 का 10% कितना होता है? 27। पेपर में क्या करना? पेपर में ये करना कि पेंसिल से जो है ना यहाँ पे वर्किंग करना, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 10, समझ आया? और नरेशन लिख देना टू रिकॉर्ड 10% अकाउंट रिसीवेबल एस्टिमेटेड टू बी 1,000, ये उठा के लिख देना। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, अप्रिशिएट का मतलब बढ़ गया, तो फ़ायदा हुआ है नुकसान? फ़ायदा। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, और रिवैल्यूशन गेन रिवैल्यूशन गेन क्रेडिट। अब कितने से बढ़ी है बेटा? 20%। तो ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की? 15,00,000। 15,00,000 का 20% कितना होता है? 3,00,000। कैलकुलेशन करके दिखाना। इसके बाद मर्चेंडाइज रिड्यूस हो गई, क्या हो गई? मर्चेंडाइज रिड्यूस हो गई, मतलब मर्चेंडाइज में लॉस हो गया। तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट या लॉस डेबिट, और मर्चेंडाइज क्रेडिट। यहाँ तक कोई मसला? 8,000। यहाँ तक कोई इशू? 9,000। अब ज़रा, अब ये जो गेन था, देखो यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे भी लॉस था और यहाँ गेन था। गेन 3,00,000 का है और लॉस 27 और 8 35,000 का लॉस, तो नेट मिला के नेट गेन 265 का हुआ, क्योंकि 3,00,000 में से 35 माइनस कर दो तो बचा कितना? गेन है। अब गेन से इनका कैपिटल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो रिवैल्यूशन गेन डेबिट कैसे निकाला? 3,00,000 में से 27 और 8,000 को माइनस किया तो बचा 2,65,000। और 2,65,000 आसिफ कैपिटल, मज़हर कैपिटल और हसन कैपिटल एज पर दियर रेशियो। वेरी गुड, शाबाश। अब इनका रेशियो कितना है? 5/20, ठीक है, 9/20 और 6/20। यहाँ तक कोई इशू? अब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो इसके हिस्से में आ रहे हैं 79,500, बाकी आप निकाल लें। तो मैंने इसका इसलिए निकाला ताकि ये रिटायर कर। यहाँ तक समझ आया? टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन अमंग पार्टनर्स। अब लास्ट में क्या कह रहा है? लास्ट में ये कह रहा है कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हसन ने अपना सारा हिस्सा किसको भेज दिया? मज़हर को भेज दिया। किसको भेज दिया? तो भाई हसन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और मज़हर कैपिटल क्रेडिट। कितने से? अब हसन ने लगाए कितने थे बेटा? 4,50,000 रुपये लगाए थे। यस या नो? यस सर। 4,50,000 रुपये लगाए थे और 79,500 का इसको गेन हुआ, प्लस कर दिया, टोटल बने 5,29,500। यहाँ तक समझ आया? यस सर। कोई मसला? डेट सेट। सवाल जी, अब एक और सवाल आया, चूँकि इससे रिलेटेड ही है तो मैंने कहा मैं करवा दूँ ताकि आपकी गरीब अच्छी हो, एग्ज़ाम में ये आ जाए। अगर ये देखें, असलम मुबीन और जावेद पार्टनर हैं, इनका कैपिटल है 4,03,60,000 और 4,80,000। रेशियो दिया हुआ है, जावेद रिटायर होकर जा रहा है और जावेद को हम कितने दे रहे हैं? 4,20,000 आफ्टर रिवैल्यूशन ऑफ एसेट। अभी तक देखें, जावेद ने लगाए कितने?
4,80,000 कितने लगाए? 4,00,000 जावेद को दे कितने रहे? 4,00,000 4,20,000 कितने कम दे रहे? 7,500 इसका मतलब जावेद को नुकसान हुआ या नफ़ा हुआ? नुकसान अभी हमने पढ़ा नुकसान भी किसी एक को तो नहीं होगा, होगा तो सबको होगा। तो हम जावेद के रेशियो की मदद से सबका लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल, जैसे ना गुडविल किया कंप्यूटेशन फॉर लॉस, ठीक है बेटा। अब जावेद जा रहा है, जावेद का कैपिटल कितना है बेटा? जावेद का कैपिटल है 4,80,000। जावेद को हम पेड कितना कर रहे हैं? 4,00,000। समझ गए? राउंड ऑफ किया 1,000 में, 60,000 का लॉस हो गया। यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर। अब लॉस एक का तो नहीं है ना, मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो टोटल फर्म टोटल लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का रेशियो जावेद का क्या है बेटा? ये रहा जावेद का है 5,3,4। जावेद का कितना है? 5,3,4। 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कितने करा? 5,3,8,8,12। समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कितना आ गया? 1,80,000। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। अब आप एंट्री बना देंगे, लॉस से कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। तीनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। नाम क्या है? असलम, असलम कैपिटल, मुबीन कैपिटल और जावेद कैपिटल डेबिट और रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट। कितने से भाई? 1,80,000 का लॉस है एज पर रेशियो हम बांट, और इसके बाद जावेद कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। समझ आ गया सर? वेरी गुड, थैंक यू।